खबर भीकनगांव से। नेहरू युवा केंद्र खरगोन द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जल संरक्षण का संदेश। नेहरू युवा केंद्र खरगोन जिला युवा समन्वयक पूनम कुमारी के निर्देश और भीकनगांव विकासखंड की स्वयं सेविका रचना बासुदे के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जल शक्ति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वयं सेविका रचना बासुदे ने जल शक्ति अभियान कार्यक्रम पर भीकनगांव विकासखंड में चलाए जा रहे जल संचयन और संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण के बारे में बताया कि जल के बिना जीवन संभव नहीं। आज के परिवेश में पानी के बचाव और संरक्षण हेतु कहा कि यदि हम पानी की बर्बादी नहीं रोक सके तो आने वाले वर्षों में पानी एक ज्वलंत समस्या होगी। नाटक के माध्यम से परंपरागत पानी के स्रोत को बचाने संरक्षण पर जोर देने की बात कही। इसी दौरान जय हिंदू युवा मंडल के सदस्यों ने जल के संचयन और बर्बादी को रोकने हेतु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया। जय हिंद युवा मंडल अध्यक्ष सावन प्रजापत, विवेक भालसे, ममता गोरे, मोनिका राजपूत, राम कुशवाहा, कामाक्षी कुशवाहा, चेतना प्रजापत, रजनी दांगोड़े, वैष्णवी पाटीदार, साक्षी लाड़, अमरावती धनगर, नवदीप नागराज, काजल नीरज, एम ठाकुर उपस्थित थे। पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी सबके लिए जरूरी होता है, चाहे वो इंसान हो या जीव जंतु या कोई पौधे। और पानी के बिना हमारी पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। ये पानी बचाना बहुत जरूरी है और सबको पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी लेना चाहिए। अपने आसपास की नगर पालिका में जाएं तो वहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी लें। आप सब लोगों ने पानी के बारे में समझाने के बाद भी पानी के कीमत को कोई समझ नहीं रहा है, उसके बाद और भाई जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में यही हमको दिक्कत है। ये समय बाद एक घोषणा होगी और पानी की कमी इतनी कम हो जाती है कि सीमित मात्रा में खबर भारतवर्ष के लिए भीकनगांव खरगोन से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।